हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं कि आपको सही में फ़ायदा कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, बस आप यूज़ किए जा रहे हैं, पैसा वेस्ट किए जा रहे हैं। मैं आज की वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि वो प्रोडक्ट आपको इफेक्ट दे रहा भी है या नहीं। तो सबसे पहले तो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो ना, तो उसको जब यूज़ करते हो ना, तो आप क्या कर सकते हो पता करने के लिए कि वो आपको फ़ायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है। सबसे पहले तो अगर आप कोई हेयर का प्रोडक्ट ले रहे हो, जैसे कि आप हेयर फॉल का कोई प्रोडक्ट ले रहे हो कि बाल झड़ रहा है, उसको रुकने के लिए कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छा तरीका है, आप जब बाल झाड़ोगे अपना, तो झाड़ने पे जितने भी आपके बाल झड़ेंगे ना, उसको जमा कर लो, और फिर जब दूसरी बार झाड़ेंगे ना तो उसको जमा कर लो। तो आप ऐसा कर सकते हो कि हफ्ते हफ्ते कर सकते हो, मतलब हफ्ते भर का बाल एक साथ जमा कर लो, फिर दूसरे हफ्ते का बाल एक साथ जमा कर लो, लेकिन अलग अलग हफ्ते का जमा करो। तो उससे क्या होगा, आप जब बाल देखेंगे ना, तो अब उससे आपको पता चलेगा कि पहले हफ्ते में कितने बाल थे मेरे झड़ रहे थे और दूसरे हफ्ते में मेरे कितने बाल झड़ रहे हैं। तो अगर आपको लगेगा कि हाँ, पहले हफ्ते के मुकाबले आपका जो दूसरे हफ्ते का बाल है वो कम है, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट आपको सूट कर रहा है और आपके बाल को झड़ने से रोक रहा है, तभी तो वो कम है। और अगर उससे ज़्यादा रहेगा तब तो आपको मालूम है, आपको नहीं यूज़ करना, उसको फ़ौरन बंद कर देना है। वैसे 2-3 दिन में पता चल जाएगा अगर आपको नहीं वो सूट नहीं करेगा और झड़ेगा तो, क्योंकि आपको महसूस हो जाएगी कि बहुत ज़्यादा झड़ रहा है। तो ये एक तरीका था पता करने का। उसके अलावा जो डैंड्रफ वगैरह के जो आते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, मतलब डैंड्रफ है आपको, उसके फ़ोटो क्लिक कर लो, और जब यूज़ करोगे आप अपना प्रोडक्ट, तो दूसरी तीसरी बार जब फ़ोटो क्लिक करते जाना, तो उसमें आपको डिफरेंस दिखेगा कि आपके डैंड्रफ ख़त्म हो रहे नहीं हो रहे। मतलब आप किसी और को भी बोल सकते हो कि मेरे डैंड्रफ तो देख कि ये इतने हैं, मैं यूज़ करने के बाद जब ला के दिखाऊंगा तो पता चलेगा आपको। और डैंड्रफ से हेयर फॉल भी होता है, तो डैंड्रफ तो आप निकलवा ही दो अपने सर से कैसे भी। उसके बाद स्किन केयर में, मतलब स्किन पे आप जो प्रोडक्ट यूज़ करते हो उसका तो आपको मतलब वो करने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आपकी स्किन के लिए आपने कुछ ओपन पोर्स के लिए ब्लैक हेड्स के लिए, उसके लिए भी आप फोटो क्लिक करके रख सकते हो। अदरवाइज आप शीशे में देखोगे तो आपको खुद ही पता चलने लगता है कि हाँ, मेरे कम हो रही है। फिर भी अच्छे से इफेक्ट देखना तो फोटो वगैरह क्लिक करके रखा करो। हाँ, कोई भी प्रोडक्ट लो, यूज़ करो तो उसको फ़ोटो क्लिक कर लो, या फिर किसी और को बोलो, किसी और को भी क्या, खुद आप जितना देख सकते हो, खुद आप जितना परख सकते हो ना, मेरी ठीक हो रही नहीं हो रही, उतना कोई और नहीं आपको बता सकता है। ठीक है, तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपको इफेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। वैसे भी स्किन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो 1-2 दिन में अगर आपको सूट नहीं करेंगे ना, तो उसी वक्त आपको पता चल जाएंगे, रेड हो जाएंगे, रैशेज हो जाएंगे। और अगर सूट करेंगे ना आपको, तो वो भी आपको पता चल जाएंगे। हफ्ते तक आप देखिए, वेट करके देखिए, तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा। ठीक है, और यही मेरी वीडियो थी। तो मुझे ये वीडियो बनाने का मतलब, मेरा मतलब यही था ना कि आप बस प्रोडक्ट यूज़ किए जा रहे हो अगर, और ध्यान नहीं दे रहे हो कि वो प्रोडक्ट मुझे फ़ायदा कर रहा नहीं कर रहा, बस यूज़ किए जा रहे हो, अपने पैसे वेस्ट किए जा रहे हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, ताकि आप अपने पैसे मत वेस्ट करो। अगर आपको फ़ायदा नहीं कर रहा, फ़ायदा कर रहा है तो डेफिनेटली खरीदो, लेकिन अगर नहीं कर रहा तो उस वक्त रोक दो। क्योंकि कुछ लोग रहते हैं, मंगा लेते हैं अपने, मतलब शॉप में मंगा लेते हैं, यूज़ भी करते रहते हैं, लेकिन फिर देखते ही नहीं कि उनको इफेक्ट कर रहा नहीं कर रहा, इसको यूज़ करते जाते हैं। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी, ताकि आपको थोड़ी अवेयरनेस हो जाए कि हाँ, हम कुछ यूज़ कर रहे हैं तो उसके इफेक्ट वगैरह का हमको पता रहना चाहिए। ठीक है, तो ये बस यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दो। मिलती है आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।